हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो A78 5G फ़ोन है, तो ओप्पो A78 5G फ़ोन की फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप कैसे फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और कैसे आप फ़ोटो एंड वीडियोस को छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोटो वीडियोस को हाइड कैसे कर सकते हैं और कैसे आप छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में लाइव वॉल पेपर्स हैं, सॉरी, कैसे अपने फ़ोन में फाइल ऑप्शंस पे जाकर फ़ोटो वीडियोस को हाइड कर सकते हैं, तो फाइल ऑप्शंस पे जाना है। तो फाइल ऑप्शंस पे जाकर आपके पास से इमेज गैलरी ऑप्शंस आ जाता है, जिसके ज़रिए फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इस तरीके से थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर कर देना है, और मूव टू सेव फोल्डर करते ही जो भी आपके फ़ोन की फ़ोटोज़ होंगी हाइड हो जाएंगी और हाइडिंग फोल्डर में चली जाएंगी। अच्छी तरीके से आप वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं, सेलेक्ट करके इस तरीके से वीडियो हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं और आपके फ़ोन में वीडियो भी हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं फाइल ऑप्शंस में, या फिर आप उनको शो करना चाहें या देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेव फोल्डर पर टैप करना है, पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालते ही यहाँ पर ये फ़ोटोज़ आ जाएंगे जिनको आप शो कर सकते हैं, या फिर कुछ फ़ोटोज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं जो आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, डिलीट करना चाहें तो इस तरीके से डिलीट भी आप कर सकते हैं, या फिर वापस आप इनको गैलरी पे शो करना चाहें तो गैलरी पे भी आप शो कर सकते हैं और आपकी गैलरी में यहाँ पर फ़ोटो शो हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ़ोटो एंड वीडियोस को आप शो कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।